तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आपको पिछली वीडियो मैंने बताया था यानिम टू का प्रयोग, ठीक है ना। इसका प्रयोग मैंने आपको बताया था, समझाया था इसका मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ें मैंने बता दी थी। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ केवल यानिम टू के एग्जाम्पल, ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, केवल एग्जाम्पल दूंगा ताकि जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर के देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उसकी। और इससे पहले मैंने एक और प्रयोग बताया था लॉन्गिंग टू का, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग प्रयोग है, बहुत अच्छा प्रयोग है। यदि आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, स्पीकिंग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आपको इनके प्रयोग आना ही चाहिए, ठीक है। सो दोस्तों, मैं अपने चैनल में ऐसे ही 40-50 प्रयोग बताने वाला हूँ जो कि स्पीकिंग इंग्लिश के लिए बहुत ही यूजफुल है। सो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बटन को दबा लेना, ताकि आपको सभी प्रयोग के वीडियोज टाइम पर मिल जाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वह खाना खाने को तड़प रहा है, तो यहाँ पर ही इज यर्निंग टू ईट फूड, ठीक है। मान के चलिए कोई कैदी है, उसे खाना भी टाइम से नहीं मिल रहा, तो हम क्या कहेंगे उसे, वह खाना खाने के लिए भी तड़प रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर तीनों के चार चार एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए, जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, हम विश्व कप जीतने के लिए तड़प रहे हैं। वी आर यर्निंग टू विन द वर्ल्ड कप। ओके, इस तरह से हमने लिख दिया। फिर राम बहादुर अपनी पत्नी को देखने के लिए तड़प रहा है, या यहां से राम बहादुर इज यर्निंग टू सी हर वाइफ। क्या आप खुली हवा के लिए भी तड़प रहे हैं? ठीक है, या क्या आप खुली हवा तक के लिए तड़प रहे हैं? इस तरह से हम वाक बनाते हैं अक्सर, तो हम क्या बनाएंगे इसको, आर यू यर्निंग टू, यहाँ पर फॉर लगेगा। यदि आपने पिछली वीडियो देख लिया है तो आप उस वीडियो मैंने बताया था कि फॉर क्यों लगेगा, यहाँ भी बता देता हूँ। फॉर जब भी यर्निंग के बाद नाउन आता है, क्या आता है, नाउन। तो यर्निंग के बाद यदि नाउन आता है तो नाउन के पहले हम फॉर का प्रयोग करेंगे, ना कि टू का। टू का प्रयोग कब करते हैं, जब यर्निंग के बाद कोई वर्ब आती है, तो वर्ब के पहले टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम यर्निंग के बाद टू नहीं लगाएंगे, यहाँ पर फॉर लगाएंगे। फ्रेश एयर, क्या आप ताजी हवा के लिए तड़प रहे हैं? या आप इस फ्रेश को हटा भी सकते हैं, ठीक है ना, फ्रेश को। तो क्या आप हवा के लिए भी तड़प रहे हैं? और यहाँ पर भी है, क्या है, भी है। तो हम भी के लिए भी हम क्या लिख सकते हैं, आलसो, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, आलसो। क्या आप हवा के लिए भी तड़प रहे हैं, या फिर क्या आप हवा तक के लिए भी तड़प रहे हैं, इस तरह से इन वाक्यों को बनाते हैं। चलिए फिर जल्दी से चार एग्जाम्पल देख लेते हैं पास्ट टेंस के। सो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हमने केवल टेंस परिवर्तन कर लिया है। अभी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बने हुए थे एग्जाम्पल, अब हमने इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर था आ गया है, जहां पर हा था, तो अब ये वाक्य कैसे बनेंगे, देखिए। जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रियाएं होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, वो वाज या वर होती हैं, दो में से कोई एक आती है। तो हम यहाँ पर ही के साथ वाज लगा देंगे, क्या लगा देंगे, वाज। तो ही वाज यर्निंग टू ईट फूड, वह खाना खाने के लिए तड़प रहा था, बन जाएगा हमारा वाक्य। फिर हम विश्व कप जीतने के लिए तड़प रहे थे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, वी वर, क्या होता है, वी के साथ वर आता है, तो वी वर यर्निंग टू विन द वर्ल्ड कप, ठीक है, ये बन गया। केवल हमारी सहायक क्रियाएं चेंज होंगी। फिर यहाँ पर
राम बहादुर अपनी पत्नी को देखने के लिए तड़प रहा था। हम इसको चलिए बना देते हैं नॉट वाला वाक्य, नहीं पत्नी को देखने के लिए नहीं तड़प रहा था, क्या लिए नहीं नहीं तड़प रहा था हमने कर दिया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर राम बहादुर वाज नॉट यर्निंग टू, हमने इसका नाम शॉर्ट कर दिया, ठीक है ना, राम बहादुर वाज नॉट यर्निंग टू, राम बहादुर वाज नॉट यर्निंग टू सी हर वाइफ, राम बहादुर अपनी पत्नी को देखने के लिए नहीं तड़प रहा था। अब इसको क्या आप खुली हवा के लिए भी तड़प रहे थे, तो हम क्या बनाएंगे इसको वर यू यर्निंग फॉर फ्रेश एयर, वर यू यर्निंग फॉर द फ्रेश एयर भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ताजी हवा, हवा कैसी ताजी हवा, तो हम यहाँ पर दा लगा सकते हैं, हालांकि हमारा दा लगाने पर भी वह गलत नहीं होगा, तो वर यू यर्निंग फॉर द फ्रेश एयर ऑल्सो, तो यहाँ पर फॉर का प्रयोग होगा, क्यों, क्योंकि नाउन के पहले फॉर का प्रयोग हमें करना है, मैंने बताया था आपको। तो चलिए फिर इसी तरह टेंस परिवर्तन के साथ फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के एग्जांपल भी देख लेते हैं जल्दी से, अभी इसको बनाते हैं। देखिए ही वह खाना खाने को तड़प रहा होगा, इसको कैसे बनाएंगे, ही विल बी आएगा ना, क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस की फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की जो सहायक क्रियाएं होती है क्या होती है, विल बी और शैल बी, तो यहाँ पर विल बी आ जाएगा, यर्निंग टू ईट फूड, फिर यहाँ पर हम वी के साथ क्या लगेगा, शैल, वी शैल बी यर्निंग फॉर यर्निंग टू विन द वर्ल्ड कप, ठीक है ना, यहाँ पर वर्ल्ड कप लिखा हुआ सी यू पी वर्ल्ड कप, फिर यहाँ पर राम बहादुर अपनी पत्नी को देखने के लिए नहीं तड़प रहा होगा, तो राम बहादुर विल नॉट बी, क्योंकि विल और बी या सेल और बी के बीच में नॉट आता है, यानी कि विल नॉट बी सेल नॉट बी, ओके, तो यहाँ पर क्या आप खुली हवा के लिए भी तड़प रहे होंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, विल यू बी यर्निंग फॉर द फ्रेश एयर ऑल्सो, तो इस तरह से हम तीनों टेंस में इनके वाक्यों को बना सकते हैं, चाहे आप प्रश्नवाचक वाक्य बनाना चाहते हो या फिर चाहे नकारात्मक वाक्य बनाना चाहते हो या फिर चाहे सकारात्मक वाक्य बनाना चाहते हो, सभी तरह से आप विलिंग टू का प्रयोग कर सकते हैं। और अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बहुत ही खास प्रयोग, वो प्रयोग है हैंकरिंग फॉर का यूज कैसे किया जाता है।